किरण चौधरी को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का बड़ा ये कहना है उदयभान का, कांग्रेस में उनका दम घुट रहा था। कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जहां पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहां उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहां वो जा रही है। उनको बहुत बहुत शुभकामना। टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ रही है। जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। जहां वो सुरक्षित तो लगाएगा, ये तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जहां उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा वहां जाएगा। विचारधारा से कोई मतलब नहीं। कारण क्या? ये सिर्फ ड्रामा जो चल रहा था, ये जो बात कर रही थी बंसीलाल जी की लीगेसी से, ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में धर्मवीर से भी मिलकर के और दुष्यंत चौटाला से मिलकर के नैना चौटाला को वहां सपोर्ट किया, और बंसीलाल जी के बड़े सुपुत्र चौधरी महेंद्रा को इन्होंने हरवाने का काम किया था, उनके खिलाफ काम किया था, और उनसे मिलकर के अपने यहाँ अपने एक आदमी को टिकट दिलवाने का काम किया था जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता था। ये तो पहले से ही ये वही करण चौधरी हैं जिन्होंने अजय माकन को हरवाने का काम किया था राज्यसभा के चुनाव में। जो इस तरह से कांग्रेस में रह करके जो कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने में लगी हुई थी, आज वो कहती है कि कांग्रेस में भविष्य, अगर जो बेटी को टिकट मिल जाता तो भविष्य कांग्रेस का सुरक्षित है, बेटी को टिकट नहीं मिला इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है।